प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भले ही सरकार जितना मर्जी दम भर ले, मगर वास्तविकता इन दावों से कहीं परे है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रतिया नागरिक अस्पताल की। कहने को तो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, मगर नागरिक अस्पताल की इमारत इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि इसे खुद ही उपचार की आवश्यकता है। रतिया के सरकारी अस्पताल में ऐसा कुछ दिखा कि भौचक्का रह गए। नागरिक अस्पताल की छतों से पानी यूं टपक रहा था जैसे कोई झरना चल रहा हो। महज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी से टपकती छत के नीचे मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा। सर्दी के इस मौसम में छत से टपकते पानी की सजा से कम नहीं हो सकता। बात केवल इतनी नहीं है कि छत से टपक रहे पानी के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं, यहाँ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पूर्ण रवैया सामने आता है। छत से टपकता पानी का अर्थ बिल्डिंग में कमी को साफ तौर पर दिखाता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर स्वास्थ्य प्रशासन को शायद इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आज पर प्रशासन इस पर लीपापोती का प्रयास किया, मगर हकीकत में उनके तमाम पोल के दावे खुल रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि छत पर सफाई का काम चल रहा है, इस वजह से कहीं पानी लीकेज हो रहा है, मगर सवाल उठता है कि लापरवाही भले ही किसी का हो, खामियाजा आखिर आम इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। अरे पानी टपकी जाता होगा तो कुछ देखभाल नहीं कर रहे मरीज तक। अच्छा, सवेर से टपकी जाता है ना? ये 11 बजे का टपका हो गया। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। यही है जी, बस जी सवेर से मरीज परेशान हो जाते हैं, ठंडा हो गया बहुत। अच्छा, दिन मरीज परेशान हो जाते हैं, इस करके पानी तो टप रहे हैं कि कोई और देखभाल नहीं कर रखे, उसके बीच में से कोई दराज है, उसमें से पानी आ रहा है। मरीज कह रहे सर सुबह से ये जो है पानी टपक रहा है। मैंने अभी नर्सिस्ट को बुला के इसके बारे में आदेश दे दिया है, उसको अभी पानी जो भी पानी वहाँ खड़ा हुआ है उसकी सफाई कर रहे हैं।